साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी अपने गुजरात दौरे पर लगातार बीजेपी के विकास को निशाना बना रहे हैं और उसे बैकफुट पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। राहुल गांधी ने गुजरात दौरे से राज्य की कांग्रेस इकाई में जान फूंक दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के दौरे को लेकर जनता में भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। अपने दौरे पर राहुल लगातार पीएम मोदी को उनके भाषणों के आधार पर घेर रहे हैं और जनता में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी अपने भाषण में विकास की बात कहते हैं और कांग्रेस को विकास विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पीएम को घेरा और विकास न होने के बयान को जनता का अपमान बताया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और बीजेपी से टक्कर के लिए कार्यकर्ताओं को खड़ा करने के लिए राहुल ने उन्हें पूरा सम्मान देने का वादा किया। इस दौरान राहुल ने साफ किया कि चुनाव के समय टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जाएगी। अपने दौरे पर राहुल गांधी लगातार कांग्रेस को किसानों, गरीबों का शुभचिंतक और बीजेपी को अमीरों का शुभचिंतक साबित करने की कोशिश करते रहे। गुजरात का चुनाव मोदी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। कांग्रेस जिस तरह से चुनावी प्रचार कर रही है और मोदी को सीधे निशाने पर ले रही है, उससे साफ है कांग्रेस इस बार आसानी से हथियार डालने वाली नहीं है।